केरला की बात कर रहे हैं, क्या था केरला का, 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा, 3 महिलाओं की कहानी है, 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना, तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपोगेंडा केरला फिल्म को मत प्रमोट करिए। और कर्नाटक ने एक और बात कही है, कर्नाटक ने कहा है कि ये देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है, और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे, तो ये देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं कि क्या करें आप, जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की, आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए, अगर राहुल गांधी आपके लिए लगड़ है तो आपकी पूरी कैबिनेट, आपके सारे चरण चुंबक, आपके जितना गोदी मीडिया है, एक साथ मिलकर उनको अटैक नहीं करता। मुझे लगता है कर्नाटक ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है, अगर आप इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है तो हम आपके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। ना पढ़ना चाहिए या सुप्रिया जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप पॉलिसी से जोड़ रही हैं, तो फिर क्या यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम जीतते हैं, तो क्या ये माना जाए, आप जैसे कर्नाटक का संदेश बता रही हैं, वहां का क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि देवभूमि ने हिमाचल में इनको रिजेक्ट कर दिया है? अरे लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो मुझे ये बताइए फिर, कर्नाटक में इनका वोट शेयर कम बता रही हैं, मेघालय में इनकी सीट कम हुई, आपका ये कहना है कि कर्नाटक से संदेश गया बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से कांग्रेस को क्या संदेश? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को गलत कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, क्योंकि जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ तो हम एक जीते और उत्तर प्रदेश और गुजरात बता दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को बहुत मजबूत और बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन एक ये भी सच है कि आज दक्षिण ने इनके लिए द्वार बंद कर दिए हैं। दक्षिण कह रहा है नो वे, यू आर नॉट एंटरिंग आवर प्रेमिस। आप ना समझना चाहिए तो वो आपकी दिक्कत है, आपको लगता है कि आप वेष्टी पहनकर और अंगवस्त्रम डाल के लोगों का मन जीत लेंगे, नहीं, लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर एक बात कही गई कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, लंबा हो गया सर, नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया, हाँ हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको पता है यूके का परचेजिंग पावर पैरिटी, हर व्यक्ति की जो औसतन खरीदने की क्षमता या आय कह लीजिए कितनी है, यूके की जो औसतन क्षमता है वो $50,000 है, इंडिया की $7,000 है, करीब 7 गुना ज्यादा, अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा, $70,000 है हमारी $7,000 है, जर्मनी $60,000 है हमसे 8.5 गुना दुगना। तो एप्पल्स टू एप्पल्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही देखिए, आपने जो बताया कि आपको असलियत समझ में नहीं आती, मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखा देता हूं। एक मिनट, मैं एक प्लीज वेट, ओके, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी IMF ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा भाई, अरे भैया कुछ भी परचेजिंग पावर, अरे भाई IMF में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। एक मिनट, आप लोगों ने देखिए, मैं जो डेटा बता रहा हूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। पेइंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और जानते हो क्या होता है, जो लोग अमेरिका गए होंगे उनको पता होगा, ये बोतल जानते हैं कितने की मिलती है, $1.50 की, या ₹120 की मिलती है क्या, परचेजिंग पावर ₹120 की मिलती है क्या, इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर पे हैं, सुप्रिया जी, अमेरिका चाइना के बाद। सुप्रिया जी, सुधांशु जी, एक मिनट, अच्छे दाम में मेरा फैक्ट बोला है, मैं फैक्ट दिखा रहा हूं, ₹10 की मिलती है, ₹120 की मिलती है, अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो कल मैं कुछ अच्छेदार बातें किया, कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूं, आइए जरा भैया, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं इसी के आपके पास ही आ रहा हूँ, आप भैया जवाब तो देने दीजिए, आप जवाब दो मिनट का तो जवाब देने, मैं आपके पास पक्का आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए, दिखाइए जरा प्रति व्यक्ति आय, दिखाइए जवाब नहीं, जलेबी बनाएंगे, दिखाइए, ये देखिए, अब जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूँ, 2014 और ये आपके सामने 2023, प्रति व्यक्ति आय 86,467 और 1,72,000। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन? निषाद जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इकोनॉमी की हम तीनों के बीच में दो जगह कमी लग रही है, मुझे सॉरी, मैं आपको भी मित्र मान, कोई बात नहीं, बोल बताइए आप। 84,000 थी 2014 में, अगर आप 2004 में देखिएगा तो और कम थी, प्रति व्यक्ति आए तो जब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा बढ़ेगी, आपको लाइक्स टू लाइक्स कंपेयर करना है, मैं आपको समझाती हूँ, हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है, $7,000, दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली, अमेरिका में क्या है $80,000, यूके में क्या है $50,000, तो जब हम कहते हैं ना कि हम उनसे बढ़ गए,
हाँ हम बढ़ गए, लेकिन हमारी एवरेज आय क्या है? हमारे यहाँ एवरेज पॉवर्टी का रेट। सुधांशु जी अब आप अपना जवाब दीजिए। एवरेज आय क्या है? ओके सुधांशु, एप्पल से एप्पल ही कंपेयर करना चाहिए। यहाँ आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहाँ $1 में नाश्ता हो सकता हो। चुनौती से कहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये जो इकोनॉमिक, इसीलिए अगर IMF वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता उसके बाद उनको नहीं पता। खैर मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई, केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बकिया उधड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो उधड़ी, अभी तो बता रहा हूं आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो बीच में इंटरजेक्ट नहीं करो। मूवी में कहानी है और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, V.S. अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के CM उन्होंने यूज किया, इनके CM ओमन चांडी ने। यहां कह रही है कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी, केरल STF ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाईकोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की हाईकोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से, और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना धमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिसपे विदेशी प्रभाव नहीं है, यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है, जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम जहां। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार थी? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है, आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूँ सनातन राष्ट्र है, 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? उनके ऊपर पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए भगवान सुनिए, हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, डिस्टर्ब नहीं किया आपके राम गोट से, आप क्या सुनिए तो भाई, और आप यहाँ पे मुझसे आपने जवाब नाथूराम गोट से आप हड़बड़ा रहे हैं, बगल में जिंदा है आपके सामने जिंदा है। सुनिए तो हड़बड़ाइए नहीं, गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? तो अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे, गांधी की आत्मा की हत्या की आपने, शरीर का हत्यारा। मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए, आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद।
बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर से बोलिएगा। गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी के समाज पे लिखा है राम गलत है, झूठ है। बोलिए, आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूँ कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए, शरीर बड़ा या आत्मा बड़ी? बोलिए, गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूँ। बोलिए, चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करें चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद है। इस पर मुझे दुख होता है, दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है।